तो आज हम ब्रिज कोर्स के पार्ट फाइव को पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर पढ़ लिया है, अब पार्ट फाइव को पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन पूर्णांक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूर्णांक के बारे में। ये पूर्णांक होता क्या है? तो ये संख्या रेखा होती है, अपने को पता है। ये संख्या रेखा होती है, यहाँ इनका बीच का पॉइंट होता है जीरो, इधर होता है वन, इधर होता है टू, इधर होता है थ्री, इधर होता है फोर, इधर होता है फाइव। तो एक से लेके ये अनंत तक चलता रहता है, आगे भी, मतलब ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा, ये डैश डैश अनंत तक ऐसा आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये वाले जो नंबर होते हैं, एक से जो गिनती चालू होती है हमारी, जो हम गिनती गिनते हैं, उन नंबर को अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो हमारी होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें इन प्राकृत संख्याओं में, अगर अपन इस जीरो को भी शामिल कर ले, मतलब जीरो से लेके अनंत तक की जो संख्या आएंगी, उन संख्याओं को अपन बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। मतलब एक से गिनती चालू होगी तो उनको अपन बोलेंगे प्राकृत संख्या, और जीरो भी उसमें अगर शामिल कर देंगे तो वो संख्या हमारी कैसे कहलाएगी? पूर्ण संख्या। इसके अलावा इसमें इधर माइनस से चलते हैं, जीरो के बाद आता है क्या? -1, -2, -3, -4, और ये अनंत तक चलता रहता है। तो अगर इसमें हम ये वाले नंबर को भी शामिल कर लें, कौन से वाले नंबर को? ये वाले नंबर को भी शामिल कर लें, ये पूरे नंबर, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप, यहां से लेके माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक का जो ग्रुप होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। मतलब प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होगी, पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लेंगे तो पूर्णांक कहलाएंगी। अब पूर्णांक में अगर सबसे पहले अपन बात करें धनात्मक पूर्णांक की, धनात्मक पूर्णांक के बारे में, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जो प्लस वाली संख्या है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक ये क्या कहलाएगा? हमारा धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक की अपन बात करें, ऋणात्मक पूर्ण की बात करें तो ये होगा -1, -2, -3, और ये अनंत जो है वो शून्य, जो है हमारा जो जीरो है इसको अपन बोलते हैं शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, शून्य पूर्णांक। मतलब अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो ये सारी चीजें प्राकृत संख्या ही हमारी क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाली जो प्राकृत संख्या में अगर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तो वो कहलाएगी हमारी ऋणात्मक पूर्णांक, और जो जीरो है वो हमारा शून्य पूर्णांक कहलाता है। मतलब जो पूरा माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जो संख्याएं कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी क्या? पूर्णांक। तो इस पूर्णांक के बारे में ही अब अपने को पढ़ना है। कार्यपत्रक एक में इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए अपन ने पूर्णांक पढ़ा ताकि उसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, कार्यपत्रक एक का। कार्यपत्रक एक का पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब ये अपने को संख्याएं देकर रखी है, इनको अपने को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। एक चीज और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि इधर जो नंबर रहते हैं सीधे हट साइड, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे धनात्मक नंबर आएंगे। अगर हम इस साइड चलेंगे, मतलब इस साइड चलेंगे तो हमें बढ़ती हुई संख्या मिलेगी, और इस साइड आएंगे तो हमें घटती हुई संख्या मिलेगी। मतलब इस साइड हमें ये संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इधर बढ़ती हुई संख्या मिलेंगी, और इधर आएंगे तो इससे घटती हुई संख्या मिलेंगी। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एक, इसके बाद दो, इसके बाद तीन, जैसे यहाँ पे रहता है -1, -2, -3, और इधर भी बहुत सारे नंबर आगे चलते रहते हैं, तो इधर जाएंगे तो हमें कैसी संख्या मिलेंगी? बढ़ती हुई संख्या मिलेंगी। मतलब तीन जो होगा वो दो, इन कौन सा बड़ा होगा? -3 और -2 में से दो बड़ा होगा, क्योंकि ये इस साइड आ रहा है। अगर -2 और -1 की बात करें तो -1 बड़ा होगा, और 2 और 3 की बात करें तो कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा, क्योंकि 3 इस साइड आ रहा है। और इधर की बात करें कि छोटा कौन होगा, -3 छोटा होगा या -2 छोटा होगा या -3 छोटा होगा, तो इस साइड आएंगे तो हमें छोटी संख्या मिलेंगी। मतलब इधर आएंगे तो हमें छोटी संख्या मिलेंगी, मतलब -3 इससे छोटा होगा। मतलब अगर धनात्मक संख्या लिखेंगे तो अपन
जीरो से इस साइड लिखेंगे सीधे हाथ साइड, और ऋणात्मक संख्या लिखेंगे तो जीरो से इस साइड संख्या लिखेंगे। तो इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो ये अपनी संख्या रेखा हुई, ये संख्या रेखा, यहाँ पे एक मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, जीरो। अब पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है माइनस चार। माइनस चार सबसे पहले देखें धनात्मक है या ऋणात्मक। तो माइनस चार जो है हमारा कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्याओं के लिए हमें उल्टे हाथ साइड जाना पड़ेगा, मतलब इस साइड और अपने को जाना पड़ेगा। तो इधर क्या आएगा सबसे पहले देखें, तो जीरो किस साइड आएगा, सबसे पहले माइनस वन, माइनस टू, फिर आएगा माइनस थ्री, और इसके बाद क्या आएगा हमारा माइनस फोर। मतलब संख्या रेखा पर माइनस फोर कहाँ पे आया, ये वाले स्थान पे क्या है, माइनस फोर। तो अपन ने ये माइनस फोर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब अगले लिखा हुआ है एट। अब एट प्लस का है या माइनस का, सबसे पहले ये देखेंगे। तो एट जो है वो प्लस का साइन है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का है। अब इसको अपने को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये संख्या रेखा बनाई अपन ने, यहाँ पे क्या लिखा, जीरो। ठीक, प्लस एट को दर्शाना, तो प्लस एट के लिए अपन इस साइड जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री, प्लस का फोर, प्लस का फाइव, प्लस का सिक्स, प्लस का सेवन, और फिर क्या आएगा, प्लस का एट। तो संख्या रेखा पर प्लस का एट कहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा प्लस का एट। अगला लिखा हुआ है माइनस छ को दर्शाइए संख्या रेखा पर। तो माइनस छ की बात करते हैं, तो ये संख्या रेखा बनी करनी, ये पॉइंट आया हमारा कौन सा, जीरो। माइनस छ, माइनस छ मतलब इस साइड आएंगे अपन, तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, और माइनस सिक्स। तो माइनस सिक्स कहाँ पे आएगा, ये रहा हमारा माइनस सिक्स। अगला देखना है तो माइनस थ्री, वो प्लस का थ्री दर्शाना है, तो प्लस का थ्री कहाँ पे आएगा, अगर हम इसको एक उस पर भी दर्शा सकते थे, एक ही संख्या रेखा पर भी अपन इसको दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसको यहीं पे अपन कर लें, तो ये अपन ने एट तक लिख ली, इधर देखें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स, माइनस का सेवन तो है ही नहीं, तो माइनस के सिक्स तक इसको रहने दें। मान लो अपन ये सारे क्वेश्चन एक ही पे दर्शा लेते हैं, तो माइनस का फोर अपन ने अभी दर्शा के दिखाया था अलग, यहाँ पे जाएगा एट, यहाँ पे आ गया। माइनस सिक्स को देखें तो माइनस सिक्स कहाँ पे जाएगा, ये रहा अपना माइनस सिक्स, इस साइड आएंगे तो ये माइनस का सिक्स मिल जाएगा। अगला देखें प्लस का थ्री, प्लस का थ्री मतलब जीरो से इस साइड जाएंगे तो वन टू थ्री, ये अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस थ्री। अगला देखेंगे तो क्या मिला, प्लस का टू, प्लस के टू के लिए अपने को ये जाना पड़ेगा, तो ये रहा अपना प्लस का टू, जीरो से वन टू। माइनस का टू तो जीरो ये रहा, इससे इधर जाएंगे तो माइनस वन, माइनस टू, ये रहा हमारा माइनस टू। माइनस थ्री की बात करें तो जीरो ये रहा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये हो गया हमारा माइनस थ्री। तो ये पूरे कोपन ने सारे संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लेना, और एक पे दर्शाना चाहो तो एक पे दर्शा लेना। तो ये हमारा प्रश्न नंबर एक कंप्लीट होता है कार्यपत्रक एक का। अब अपन करेंगे कार्यपत्रक दो, जिसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बड़े और छोटे का साइन अपने को बताना है, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर दो में अपने को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और रिक्त स्थान में बताना है कि इन संख्याओं में से कौन बड़ा है और कौन छोटा होता है। तो सबसे पहले इस बड़े छोटे को समझ लेते हैं क्या है। जैसे मैंने लिखा चार और तीन, माइनस तीन, माइनस दो। तो सबसे पहले अपन संख्या रेखा पर देख लेते हैं इनको, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, वन टू थ्री, और ये फोर। इस साइड आएंगे तो कैसी संख्या मिलेंगी, बड़ी, मतलब इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। तो देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये पहले आ रहा है इधर, और इधर जाएंगे तो कैसी संख्या मिलेंगी, बड़ी, मतलब इससे बड़ी ये संख्या मिलेंगी। तो अपन ये वाला साइन लगा देंगे, जिस साइड इसका मुंह खुला रहेगा, ये जिस साइड इसका मुंह खुला रहेगा वो संख्या कैसी होगी, बड़ी। और ऐसा जिस साइड इसकी ये पूछ रहेगी, इसका ये पॉइंट रहेगा, वो संख्या कैसी रहेगी, छोटी। मतलब चार बड़ा है और तीन छोटा है। अगर अपन इस साइड की बात करें तो वन टू और माइनस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस साइड आएंगे तो अपने को छोटी संख्या मिलेंगी। जैसे मान लो ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे, ये इससे, मतलब माइनस वन से छोटा कौन होगा, माइनस टू, माइनस टू से छोटा कौन होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा कौन आएगा, माइनस फोर, माइनस फोर से छोटा, माइनस फाइव।
तो इन दोनों में से देखें तो कौन छोटा है, -3 या -2 कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से अगर बड़े देखें तो ये वाला साइन जो है वो बड़ा है, क्योंकि ये इस साइड अपने को मिल रहा है। अगर इस साइड अपन जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेंगी, इस साइड आएंगे तो छोटी संख्या मिलेंगी, मतलब ये वाली जो संख्या है वो छोटी है और -2 इससे क्या है, बड़ा है। तो अपने को ये सारे क्वेश्चन में केवल यही चीज बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो जिस साइड ये मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी, और जिस साइड ये वाला मुंह खुला, जिस साइड मुंह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी, जिस साइड इसका मुंह बंद वो संख्या छोटी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 0 और -3 को। तो देखें अगर 0 और -3 को, ये अपनी संख्या रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो देखो इस साइड आएंगे तो बड़ी संख्या मिलेंगी, मतलब ये फिर 0 आएगा, मतलब 0 इस साइड अपने को मिल रहा है, इससे इस साइड जाने पर 0 मिल रहा है, मतलब 0 बड़ा हुआ किससे, -3 से। तो कौन सा वाला साइन लगेगा, जिस साइड ये बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसके साइड अपने को मुंह खुलना है, मतलब ये संख्या कैसी होगी, बड़ी होगी, ये संख्या कैसी होगी, बड़ी, मतलब 0 बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। और -40 और -20 की बात करें तो ये अपनी संख्या रहेगा, मान लो ये 0, -1, -2 और आगे आगे चलते रहे, यहां जाके अपना आ गया मान लो माइनस का 20 आ गया, आगे चलते रहे -2, -3, -4, -20 आ गया, और आगे चलते रहे यहाँ पे माइनस का 40 आ गया। तो इस साइड जाएंगे अपन, 0 साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो संख्या कैसी मिलेंगी, बड़ी, और इस साइड आएंगे तो संख्या कैसी मिलेगी, छोटी, मतलब देखो -40 किस साइड है, छोटे वाले के साइड, और -20 किधर है, इस साइड, मतलब बड़े वाले के साइड। तो इस साइड जाएंगे तो कैसी संख्या मिलेंगी अपने को, बड़ी, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, -20 जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगला देखें -90 और +48, तो इसी पे देखें तो और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, तो यहाँ कहीं अपने को मिलेगा -90, और इधर आगे अपन जाएंगे यहाँ पे +1, +2, +3 और आगे जाएंगे तो +48 अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो -90 इधर साइड है, +48 साइड है, और इस साइड अपने को कैसी संख्या मिलती है, बड़ी, मतलब इधर से जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेंगी, तो 48 बड़ा होगा और -90 छोटा होगा। तो ये बड़े के लिए, जो बड़ा होगा उस साइड अपने को इसका मुंह खुला रखना है। -53 और -5 की बात करें तो मान लो यहाँ पे -53 अपने को मिला, -53 और -5, तो -5 यहाँ पे अपने को -5 मिलेगा मान लो, तो इस साइड जाएंगे तो बड़ी संख्या, तो -5 कैसा होगा, बड़ा। -7 और -1 की बात करें तो ये अपनी संख्या रहेगा, ये अपना 0, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये -7 रहा और ये रहा अपना क्या, -2। इस साइड जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेंगी, तो ये -1 कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, -7 से। ऐसे ही -100 और -101 की बात करें तो इधर ये संख्या रखा बनी, मान लो यहाँ पे आया -101, यहाँ पे आएगा -100, तो इस साइड जाएंगे तो कैसी संख्या मिलेंगी अपने को, बड़ी संख्या मिलेंगी, तो -1 छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, -100। तो ये वाला मुंह ऐसा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कार्यपत्रक 2। अब अपन करेंगे क्या, कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में अपने को बताना है आरोही और अवरोही क्रम में अपने को दर्शाना है। ये संख्याएं देख रखी है, इनको आरोही और अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले अपन करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उस संख्या से बड़ी, फिर उस संख्या से बड़ी, फिर उस संख्या से बड़ी, ये होता है हमारा क्या, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता हुआ है, क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी संख्या। तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या सबसे पहले तो माइनस वाली होगी, तो -1 बड़ा होगा या -7 बड़ा होगा। तो सबसे पहले अपने कौन सी लिखना है, सबसे छोटी संख्या। तो जैसे मान लो ये अपनी नंबर लाइन है, संख्या रहेगा यहाँ पर होता है 0, यहाँ पे होता है -1 और यहाँ कहीं पे आएगा अपना -7। इस साइड आएंगे तो अपने को कैसी संख्याएं मिलेंगी, बड़ी हुई, और इस साइड आएंगे तो कैसी संख्याएं मिलेंगी, छोटी। तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, -7, क्योंकि वो इस साइड है, -1 के इस साइड है। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, -7, फिर क्या आएगा, -1, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 और 7 बचे, तो 3 और 7 में से छोटा कौन है, 3, इसके बाद 7,
आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अगला देखेंगे -9, -7, -6, -3। तो देखो -1 तो ये रहा अपना, -3 मान लो यहाँ, तो यहाँ आएगा अपना -3, फिर इसके बाद -6 यहाँ पे आएगा, -9 मान लो यहाँ पे आएगा, ऐसा मान लो। ये माइनस का साइन लगा देता हूँ। इनके बीच में और नंबर है, जैसे -2 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, -7, -7, -8, फिर आया कौन -9। तो देखो -9 सबसे छोटा हो क्योंकि वो सबसे इस साइड, तो -9 पे ले जाएगा। इसके बाद कौन आएगा, -6 की बारी आएगी, -6 तो है ही नहीं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, -7 की बारी आएगी। इसके बाद कौन आएगा, -7। इसके बाद कौन आएगा, -3। और लास्ट में कौन आएगा, 6, क्योंकि 6 इन सब में से सबसे बड़ा है। ये सबसे छोटा, फिर उससे ये बड़ा, फिर उससे ये बड़ा, फिर सबसे बड़ा कौन, 6। इसमें देखेंगे तो -6 इन सबसे छोटा हो क्योंकि -6 इस साइड आएगा, तो ये -6। इसके बाद कौन इससे बड़ा, -6 से 0, फिर कौन 2, इसके बाद कौन 8। ऐसे इसको देखेंगे तो इन सबसे में सबसे छोटा कौन, -9 सबसे छोटा मिलेगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -8 आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक संख्या रेखा पूरी बना लो, उस पर सारे नंबर लिख लो और फिर देख लो कि कौन बड़ा और कौन छोटा। इसमें से बात करें -3 और -1 में से छोटा कौन, -3 छोटा, इसके बाद -1, फिर +19। अगला देखेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले -8, फिर आएगा कौन -4, फिर अगला कौन आएगा 3, और अगला कौन आएगा 7। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या था, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होता, कौन सा वाला, आरोही क्रम वाला। अब बात आती है किसकी, अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले आएगी जो आएगी कौन सी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो प्लस वाले होंगे सबसे सबसे पहले, तो सबसे बड़े नंबर 2 और 3 में से बड़ा कौन, 3, तो ये 3 लिखा, फिर उससे छोटा 2। अब इन दोनों में से छोटा कौन, तो -1 इससे छोटा और -4, इन सब में सबसे छोटा कौन आएगा अपना, -4। अगला देखें, लिखा हुआ है 7, -5, -6, -3। सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा तो अपने को कौन दिख रहा है, +7। फिर कौन आएगा, -3 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर सबसे छोटा कौन होगा इसमें, -6। इसमें देखेंगे तो 8, फिर 7, फिर +2, फिर -2। इधर देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन इसमें, 4 प्लस का है, फिर 1, फिर -4 और -9 कौन सा सबसे छोटा। इसमें देखेंगे तो कौन सबसे बड़ा, 7 सबसे बड़ा, फिर 5, फिर -3, -9। अगर इसमें देखेंगे तो कौन होगा सबसे बड़ा, 8, फिर 2, फिर 0 और -5 जो होगा सबसे छोटा। घटते हुए क्रम में लिखना है, घटता क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उस संख्या से छोटी, फिर इस संख्या से छोटी, फिर इस संख्या से छोटी। इसी प्रकार अपने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। तो ये कार्यपत्रक 3 यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। अब कार्यपत्रक 4 करेंगे, जिसमें जोड़ने घटाने वाला कंसेप्ट है। कार्यपत्रक 4, कार्यपत्रक 4 में लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है, कितने क्वेश्चन देकर रखे हैं, 4 क्वेश्चन देकर रखे हैं, और संख्या रेखा का प्रयोग करके अपने को योग ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपन संख्या रेखा बना लेते हैं, तो इस पर नंबर इधर आएंगे तो धनात्मक नंबर आएंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे आगे नंबर आएंगे। इधर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा कौन, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। ऐसे आगे नंबर इसमें बढ़ते जाएंगे। तो इसका संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इनको योग ज्ञात करना है। तो जो इनका मेन पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, मूल बिंदु, इसका कौन सा होता है, 0। मतलब यहाँ पे से अंक चालू होते हैं, इधर जाएंगे तो धनात्मक संख्या, इधर आएंगे तो
ऋणात्मक संख्या। सबसे पहले अगर इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5, मतलब अपन अब क्या करेंगे, जीरो से पांच की ओर बढ़ेंगे, तो जीरो ये रहा, अब इससे पांच अंक आगे जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जीरो से अपन कहां पहुंच गए, ये 5 पहुंच गए, ये अपना हो गया क्या, प्लस का 5। अब दिया हुआ है इसमें जोड़ना है माइनस का 11, माइनस का 11 मतलब पीछे आना पड़ेगा, माइनस के 11 के लिए अपने को पीछे आना पड़ेगा, तो अब यहां तक तो पहुंच गए, अब यहां से अपन 11 अंक कैसे आएंगे पीछे, तो यहां से क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, ये माइनस 11 अंक अपन कहां आ गए पीछे, तो कहां पे पहुंचे, माइनस 6 पे, तो 5 प्लस माइनस 11 को अपन ने जो सॉल्व किया तो कहां पे पहुंचे, सबसे पहले अपन प्लस 5 की बराबर, प्लस 5 से वापस का माइनस 11, तो पहुंचे कहां पे अपन, माइनस के 6 पे, तो आंसर कितना जाएगा, माइनस का 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, किसका, पहले वाले का 5 प्लस में जो कितना जोड़ना है, माइनस का 11, तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, संख्या रेखा पर इसे करना है इसको, तो ये उतार लो, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन में लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस वन में, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस वन में प्लस करना है कितना, माइनस का 7, माइनस का 7, संख्या रेखा पर भी इसको अपने को जोड़ना है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये संख्या रेखा बना ली, ये यहाँ पे इनका जीरो रहता है, इधर प्लस वन से आगे नंबर चलते हैं, तो दोनों संख्या माइनस के, तो अपन माइनस वाली नंबर ले ले, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, ये अपन ने नंबर ले लिए। सबसे पहले अपने को कहाँ जाना है, माइनस वन पे, तो जीरो से ही चलेंगे, धन में भी जाना है तो जीरो से जाएंगे, और ऋण में भी आना है तो कहाँ से जाएंगे, जीरो से, तो सबसे पहले माइनस वन की हो गया, तो जीरो से माइनस वन ये पहुंचे अपन, ये कहाँ पहुंच गया अपन, माइनस वन। अब इसमें जोड़ना है कितना, माइनस 7, माइनस का मतलब वापिस से अपन पीछे की ओर आएंगे, मतलब इस साइड आएंगे, तो यहां से 7 अंक अपने को किधर जाना है, पीछे, तो ये गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये कहां पहुंचे अपन, माइनस 7 की ओर, कहां से, माइनस 1 से इधर पीछे कितने अंक आए, माइनस 7 अंक आए, तो पहुंचे कहां पे, माइनस के 8 पे, तो आंसर कितना आएगा इसका, माइनस 1 में तुम जोड़ोगे माइनस का 7, तो आंसर आएगा कितना, माइनस का 8। ये दूसरे वाला कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे संख्या रेखा पर अपने को दर्शाना था। अब तीसरा वाला करते हैं, इसको उतार लो, फिर तीसरा वाला हल करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तीसरा वाला लिखा हुआ है माइनस वन में जोड़ना है, माइनस टू में जोड़ना है कितना, माइनस का 3। सबसे पहले क्या करना है, संख्या रेखा पर जाना है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ये संख्या रेखा बना ली, ठीक, ये मान लिया इसका पॉइंट जीरो है, इधर प्लस में नंबर आएंगे, प्लस के नंबर की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारे नंबर किसमें है, माइनस में, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, तो सबसे पहले अपने को कहाँ जाना है, तो सबसे पहले अपने को जाना है जीरो से चलना पड़ता है, तो जीरो से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, माइनस वन पे, तो ये पहुंच गए अपन कहां पे, जीरो से माइनस वन पे, ये पहुंचे जीरो से कहां पे, माइनस वन पे, माइनस वन पे तो पहुंच गए, अब माइनस वन से कहां जाना है अपने को,
माइनस के टू पे, तो माइनस वन तक तो पहुंचे। अब यहां से माइनस टू कदम और पीछे जाएंगे, मतलब दो कदम और पीछे जाएंगे माइनस की ओर, तो यहां से बढ़ेंगे तो एक कदम, तो ये दूसरा कदम, ये कहां पहुंचे अपन माइनस टू की। अब कहां पहुंच गए अपन माइनस थ्री तक पहुंच गए। अब माइनस थ्री के बाद कहां जाना है, माइनस थ्री से तीन कदम और पीछे जाना है, क्योंकि यहां पे कितना लिखा हुआ है माइनस थ्री, मतलब इस साइड और अपने को आना है तीन कदम। तो यहां से पढ़ेंगे तो ये एक, ये दो और ये तीन कदम, तो यहां पे कितना जाएगा माइनस का थ्री। कहां पहुंचे इन सबके बाद अपन पहुंचे माइनस के सिक्स पे, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस के वन में माइनस का टू जोड़ेंगे प्लस माइनस का थ्री जोड़ेंगे, तो आंसर कितना जाएगा माइनस का सिक्स। ये ऐसा संख्या रेखा भी बनानी है और ऐसा भी अपने को लिखना है, ये संख्या रेखा जरूर बनानी है। पहुंचे कहां पे माइनस के सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन नंबर चार करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार लिखा हुआ है माइनस टू प्लस का एट, माइनस टू प्लस का एट प्लस का माइनस फोर प्लस का माइनस फोर। ठीक, इसको दर्शाना है किस पे अपने को, संख्या रेखा पे। ठीक है, अपन ने बनाई क्या संख्या रेखा, इधर बना लेते हैं संख्या। यहाँ पे होगा अपना क्या जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे एट। ऐसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस फोर, यहाँ पे माइनस फाइव, यहाँ पे माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस सेवन, यहाँ पे माइनस का एट। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, जीरो से माइनस टू की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जीरो से माइनस टू पे। जीरो ये रहा, माइनस टू मतलब दो कदम पीछे, एक दो, तो ये एक कदम चले और ये दो कदम चले, तो ये पहुंच गए अपन का माइनस टू पे। अब इसमें जोड़ना है प्लस का आठ, प्लस का आठ मतलब प्लस वाली दिशा में जाएंगे। अभी तक अपन यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से प्लस आठ आगे की ओर जाएंगे, तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात और ये आठ, अपन ये प्लस आठ आगे की ओर पहुंचे। सबसे पहले अपन माइनस टू की ओर पहुंचे जीरो से, तो जीरो से माइनस टू की ओर पहुंच गए, अब यहाँ पहुंच गए। अब इसमें जोड़ना था कितना, प्लस का आठ मतलब आठ कदम आगे की ओर जाना था, धनात्मक संख्याओं की ओर जाना था, तो अपन आठ कदम आगे की ओर पहुंचे कहाँ पे, इस छह वाले पॉइंट पे पहुंचे अपन, इस पॉइंट पे पहुंचे अपन अभी। ठीक, इसके पहले अपन इस पॉइंट पे पहुंचे थे, अब पहुंचे कहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से अपने को जाना है कहाँ, माइनस चार, माइनस चार कदम पीछे की ओर आएंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, अब यहां से माइनस चार लिखा होगा मतलब चार कदम अपने को पीछे आना है, तो ये यहां से चले तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये माइनस चार कदम पीछे आ गए, पहुंचे कहां पे दो पे, तो आंसर कितना जाएगा हमारा दो। तो माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर बराबर कितना जाएगा दो, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर अपना कार्यकर्तक चार का क्वेश्चन नंबर पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन थे, चार क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज अपन समझ लेते हैं, पूर्णांकों के योग और अंतर करते समय इसमें चिन्हों का अपने को विशेष ध्यान देना पड़ता है। कैसे, जैसे मान लो कि दोनों चिन्ह अगर समान है, कोई संख्या लिखी हुई है, दो संख्याएं लिखी हुई है, मान लो ये लिखी हुई है, मान लो माइनस चार और माइनस दो लिखी हुई, तो अगर दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो सामान्य चिन्ह वाली संख्या आपस में कैसी हो जाती है, जुड़ जाती है। तो अपन इन सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, चार और दो छह, सामान्य चिन्ह वाली संख्या, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो सामान्य चिन्ह वाली संख्या आपस में जुड़ जाती है
और जो चिन्ह लगता है वो बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह है वो वाला लगेगा। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? चार। तो चार के पास जो चिन्ह है वो लग जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का छ। और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या वाला लगता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, जो भी बड़ी संख्या चार दो में जो बड़ी संख्या दिख रही है। अपने को माइनस को नहीं देखना है, बस चिन्ह को देखना है कौन सी बड़ी संख्या है और उसके पास जो चिन्ह है वो अपन लगा देंगे। इसके बाद इसमें दूसरी चीज अपने को यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि असामान्य चिन्हों, समान चिन्ह वाला एक और समझ लेते हैं, जिसे लिखा हुआ है चार धन दो, तो अपने को तो ये पता है जुड़ेगा चार और दो कितना हो जाएगा छह। बड़ी संख्या कौन सी? चार। तो चार के पास कौन सा साइन है? प्लस का, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का, तो ये प्लस का छह। तो ये तो पहला वाला अपना नियम कंप्लीट हो कि सामान्य चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है तथा चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगता है। अगला देखें तो असामान्य चिन्ह हो, मान लो दोनों चिन्ह अलग अलग हो जाए, माइनस चार हो जाए प्लस का दो हो जाए, या फिर माइनस दो हो जाए प्लस का चार हो जाए, तब क्या होगा समझते हैं अपन। दोनों चिन्ह असामान्य, इसके पास कौन सा चिन्ह है? माइनस का। इसके पास कौन सा चिन्ह है? प्लस का। दोनों चिन्ह कैसे हैं? असमान है, अलग अलग है। तो जब असामान्य चिन्ह रहते हैं तो संख्या आपस में क्या होती है? घटती है। दोनों को घटा देना चाहिए, तो चार में से दो जाएंगे कितने बचेंगे? दो बचेंगे। और जो चिन्ह लगता है वो कौन सा चिन्ह लगता है? बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह है वो वाला लग जाता है। तो चार और दो में से बड़ी संख्या कौन सी? चार। तो चार के पास कौन सा साइन है? माइनस का। तो अपन यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, आंसर कितना जाएगा? माइनस का दो। अगला देखें, लिखा हुआ है माइनस दो धन चार। दोनों के चिन्ह देखें तो इसके पास माइनस का, इसके पास प्लस का है, आपस में क्या होगी? घटेगी। तो अपने को पता है कि बड़ी संख्या में से घटती कौन सी? छोटी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी? चार। चार में से अपन कितना घटाएंगे? दो। तो बचेगा कितना? दो। अब बड़ी संख्या जो है उसके पास जो साइन है वो वाला साइन अपन लगा देते हैं। तो दो और चार में बड़ी संख्या कौन सी? चार। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। प्लस का साइन ना भी लगाए तो भी चलता है। तो ये चीज होगी किसमें? जोड़ने में और घटाने में। अपन ने पढ़ ली सामान्य चिन्ह वाली और असमान चिन्ह वाली। ऐसे गुणा में भी होता है, जैसे मान लो कोई साइन नहीं है, दो मतलब दो साइन लगे हुए हैं उनके बीच में गैप है। जैसे मान लो ये प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस टू, ठीक, ऐसा मान लो। तो क्या करेंगे, कोई यहाँ पे कुछ कुछ दो साइन एक साथ आ गए, दो चिन्ह एक साथ आ गए, तो उनके उनके बीच में क्या होगा? गुणा होगा। जैसे मान लो प्लस का गुणा अगर तुम प्लस से करोगे तो आंसर जो मिलेगा अपना प्लस में मिलेगा, माइनस का गुणा अगर माइनस से करोगे तो आंसर अपने को क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। इसके बाद प्लस का गुणा तुम माइनस से करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। माइनस का गुणा तुम प्लस के साथ करोगे तब भी तुमको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, ठीक। इन चीजों को अपने को ध्यान रखना, क्या अगर दोनों चिन्ह समान है, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, तो अपने को प्लस का मिलेगा। दोनों चिन्ह समान है, इधर माइनस का, तब भी अपने को प्लस मिलेगा। मतलब अगर चिन्ह समान है गुणा में तो अपने को आंसर कौन सा मिलेगा? प्लस वाला। अगर चिन्ह समान है दोनों के तो अपने को आंसर कौन सा मिलेगा? माइनस वाला। एग्जांपल लेते हैं कैसे अपने को पता लगेगा। जैसे दोनों साइड प्लस का है, मतलब जैसे ऐसा लिखा हुआ है प्लस थ्री प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है टू, मतलब इसके पास कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन, तो दोनों का क्या होगा आपस में? गुणा। किस किस का? साइन का गुणा होगा, ये ध्यान रखना अपने को। दोनों के साइन का गुणा होगा। इसके पास कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा? थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। ये पहले वाले के लिए अपना उदाहरण था। दूसरे वाले के लिए अपन अगर उदाहरण को समझे हैं तो दूसरा वाला क्या लिखो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। जैसे मान लो लिखा हुआ है थ्री, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस और ये अंदर लिखा हुआ है माइनस का टू, दोनों साइन एक साथ आ गए तो अपने को क्या होगा? दोनों साइन का आपस में गुणा होगा। और दोनों साइन कैसे हैं? समान है, तो कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा? थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। इन दोनों को देखें, इसका उदाहरण देखें। जैसे मान लो लिखा हुआ है थ्री माइनस और अंदर लिखा हुआ है प्लस का टू, ये यहाँ यहाँ प्लस का लिखा हुआ है। उदाहरण के इसके हिसाब से चले, ये ऐसा लिखा हुआ है, दोनों साइन एक साथ आ गए, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, दोनों चिन्ह कैसे हो गए? असमान हो गए। तो इनके बीच में क्या आएगा? घटाना आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। तो ये थ्री माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का वन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा हुआ है थ्री, इसके बाद अपन लगाएंगे माइनस, इसके बाद अंदर लिखा हुआ है प्लस का टू, तब भी कौन सा चिन्ह आना है? दोनों चिन्ह कैसे हैं? असमान है, तो ऋण का चिन्ह आएगा। थ्री माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस का फोर। ये इसका एक जो चीज अपने को एक चीज समझनी थी, वो ये मेन चीज थी, क्योंकि अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे। एक बार और समझ लेते हैं, अगर जोड़ना या घटाने वाला हो, अगर दोनों चिन्ह समान हो
तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लग जाता है, बड़ी संख्या का लग जाता है। दोनों चिन्ह समान हो, इसके पास भी प्लस इसके प्लस भी प्लस, दोनों संख्याएं जुड़ जाती है, चिन्ह जो है वो समान संख्या वाला बड़ी संख्या वाला चिन्ह लग जाता है। दोनों संख्या असमान है, इसके पास माइनस है इसके प्लस प्लस है, तो असमान चिन्ह वाली संख्या आपस में घट जाती है और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या वाला लग जाता है। तो माइनस फोर बड़ी संख्या, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो अपन ने माइनस का साइन लगा दिया। अगला देखेंगे माइनस टू प्लस फोर, दोनों चिन्ह असमान है, संख्या आपस में घट जाएंगी, अपने को पता है बड़ी में से छोटी वाली संख्या घटेंगे तो चार में से दो जाएगा, बचेगा कितना, दो। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, चार, तो साइन इसके पास कौन सा है, प्लस का, तो अपने प्लस का यहाँ पे साइन लगा दिया। ऐसे गुणा में होगा, अगर गुणा में दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, दोनों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, कैसे, एक चिन्ह यहाँ पे आ गया, जैसे एक चिन्ह यहाँ पे आ गया और एक चिन्ह यहाँ पे आ गया, दोनों चिन्ह कैसे आ गए, साथ में आ गए, तो उनके बीच क्या होगा, गुणा होगा। और अगर समान चिन्ह है दोनों, तो वो जो गुणा होगा वो प्लस बन जाएगा, और अगर दोनों चिन्ह असमान है तो जो गुणा होगा वो कैसा बन जाएगा, ऋणात्मक बन जाएगा, ऋण बन जाएगा, मतलब ये माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे अपन ने ये दो तीन एग्जांपल लेके देखे हैं। अब इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो इन्हीं पे वैसे, तो इनको अपन कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अब अपन करेंगे क्या, प्रश्न नंबर दो। अभी अपन ने प्रश्न नंबर दो को कैसे हल करना है, अभी अपन ने क्या सीखा था कि समान संख्याओं वाली संख्या का जोड़ कैसे होगा, असमान संख्या वाली संख्याओं का जोड़ या घटाना कैसे होगा, जब दो चिन्ह साथ में आ जाते हैं उनके मध्य क्या होता है, गुणा होता है। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 72 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 90, दो चिन्ह साथ में आ गए, मतलब ये प्लस 90 कैसा है, प्लस का, और इसके बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, मतलब ऐसा ये वाली कंडीशन आ गई, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस गुणा प्लस, और माइनस गुणा प्लस अपने को पता है क्या होता है, माइनस, अभी अपन पढ़ के आए हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, माइनस होगा, तो अपने को पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, इसका मतलब क्या है कि 90 में से कौन घटेगा, 72 घटेगा, तो कितना आएगा, ये बचेगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 में से बन जाएगी कितना बचेगा 1, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 18। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, फिर देखेंगे साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा हुआ है, माइनस हुआ, और बड़ी संख्या के पास जो साइन आएगा अपन वो साइन लगा देंगे, इस कारण यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, तो आंसर कितना जाएगा, माइनस का 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है माइनस 15 ऋण, फिर कोष्टक लगा हुआ है माइनस 18, फिर ये कंडीशन आ गई कौन सी वाली, दो चिन्ह साथ में आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो अभी अपन ने पढ़ के आया क्या, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस, इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है, माइनस 15 माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 18। अब क्या होगा, माइनस 15 धन 18, अभी पढ़ के आए दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान है, तो क्या होगा, अगर दोनों चिन्ह असमान है तो संख्या कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो अपने को पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, इसलिए 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी है वो वाला साइन लग जाएगा, तो 15 और 18 में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो 18 बड़ी है, इस कारण यहाँ पे कौन सा चिन्ह जाएगा, प्लस का, प्लस लगाए किसी संख्या के आगे या ना लगाए, दोनों बार एक ही, इस कारण अपन हटा देते हैं। अगला देखेंगे माइनस 20 माइनस का, माइनस का साइन को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 13, तो अपन ने पढ़ा कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 और ये हो जाएगा माइनस 30। जब दोनों चिन्ह सेम हो जाते हैं, दोनों चिन्ह सेम हो जाते हैं, दोनों चिन्ह सेम हो जाते हैं, संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा ये 33। साइन कौन सा लगेगा, दोनों के पास सेम साइन है माइनस वाला, तो या तो माइनस वाला साइन लगा दो, या फिर ये देख लो कि बड़ी संख्या कौन सी है, 20, और 20 के पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है 23 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस 12, ये वाली कंडीशन आ रही है, माइनस माइनस, दो दो साइन एक साथ आ रहे हैं, मतलब इनके मध्य क्या होगा, गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा किया तो क्या आएगा, प्लस, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 23 प्लस 12, तो क्या होगा, 23 प्लस 12, दोनों को सिंपल जोड़ देंगे कि तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 35, 35 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक
दो कंप्लीट हुआ कार्यपत्र चार का। अब ओपन करेंगे प्रश्न क्रमांक तीन। क्वेश्चन नंबर थ्री में बताना है कि छोटा है, बड़ा है या बराबर है। ये दो क्वेश्चन दिए, इनके बीच में अपने को ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब रिक्त स्थान देके रखा है। इनमें ये वाला साइन लगाना है, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या फिर बराबर का। तो इनको सबसे पहले अपने को हल करना पड़ेगा, तभी अपन साइन लगा पाएंगे। तो अपने को पता है माइनस थ्री प्लस सिक्स, और देखो दो साइन फिर साथ में आ गए, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का। तो अपने को क्या पता है कि प्लस का और माइनस का साइन अगर साथ में आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, गुणा होगा। तो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, तो अपने को पता है क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक, तो देखो साइन पहले इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया क्या, माइनस का थ्री, और ये माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का सिक्स कितना हो गया, माइनस का नौ। इसको हल कर लेते हैं, तो वही दोनों साइन साथ में गए, माइनस माइनस। अपने को पता है दो साइन अगर माइनस गुणा माइनस आएंगे तो वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस थ्री प्लस का सिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइन कैसे आ गए, दोनों साइन अलग अलग है, संख्या आपस में घट जाएंगी और बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस थ्री। मतलब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का नाइन। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, प्लस का थ्री। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है या बराबर है। तो देखो ये क्या है, माइनस का नाइन, ये क्या है, माइनस का थ्री। दोनों में से बड़ा कौन है साइन के साथ, जैसे अपन संख्या रेखा पर देखते थे, यहाँ पे जीरो, इधर पॉजिटिव वाली संख्या है, इधर कौन सी, नेगेटिव वाली संख्या। तो बताओ माइनस नाइन बड़ा है या प्लस का थ्री बड़ा। तो अपने को पता है संख्या रेखा पर अपन इस साइड जाएंगे तो प्लस की संख्या मिलेंगी, और इस साइड वाली संख्या हमेशा बड़ी मिलेंगी। इस साइड की संख्या कैसे मिलेंगी, छोटी मिलेंगी। तो माइनस का नाइन संख्या रेखा पर देखें तो इस साइड आएगा तो ये छोटा होगा, प्लस का तीन इस साइड आएगा इस कारण ये बड़ा होगा। तो कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, माइनस तीन बड़ा है किससे, माइनस नौ से, या फिर माइनस नौ छोटा है किससे, प्लस के तीन से। इसे अगर अगला क्वेश्चन अपन देखें तो लिखा हुआ है माइनस का इक्कीस प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस और टेन। इसका मतलब दो साइन फिर साथ में आ गए, कौन कौन से, एक प्लस का एक माइनस का। तो प्लस का और माइनस का साइन अगर साथ में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा। तो इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 21, और ये कौन सा साइन लग जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 10। दोनों साइन कैसे आ गए, सेम आ गए, तो संख्या आपस में क्या होगी, जुड़ जाएंगी। और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या का है, या फिर अगर सेम साइन है तो जो साइन देके रखा हुआ है वो साइन अपन लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 31। अगला देखेंगे, फिर ये दो साइन साइन साथ में आ गए, प्लस का माइनस का, तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। इसका मतलब है माइनस 31 और माइनस का 11। इन दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों भी संख्या आपस में क्या होंगी, एड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 और 3 और 1 4, मतलब माइनस का 42। अब माइनस का 42 बड़ा है या माइनस का 31 बड़ा है, देखते हैं। ये संख्या रेखा, यहाँ पे 0, इधर पॉजिटिव संख्या है, इधर नेगेटिव संख्या, यहाँ पे क्या होगा माइनस वन, इधर क्या होगा माइनस टू। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे यहाँ पे माइनस का 31 आएगा, और आगे आएंगे तो यहाँ पे कहीं माइनस का 42 आएगा। तो इधर की साइड अगर अपन बढ़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेंगी, इधर की साइड बढ़ेंगे तो छोटी संख्या मिलेंगी। तो अपने को देखना है माइनस 42 बड़ा है या माइनस का 31 बड़ा है। तो देखो माइनस का 42 ये रहा, माइनस का 31 ये रहा, मतलब माइनस का 31 किस साइड है, इस साइड, इस कारण माइनस का 31 बड़ा होगा किससे, माइनस के 42 से। या फिर अपन क्या बोलेंगे कि माइनस का 42 छोटा है किससे, माइनस के 31 से। तो कौन सा वाला साइन आएगा, मतलब इन दोनों को अपन ने प्लस किया तो कितना आया था, माइनस का 31, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो कितना आया था, माइनस का 42। कौन सा बड़ा है, माइनस का 31 बड़ा है, इस कारण इसके साइड अपन ये खुला वाला मुंह लगा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस का 25, फिर दोनों साइन से हाथ में आ गए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कितना होगा, माइनस का 25 प्लस 42। दोनों साइन कैसे अलग अलग, तो संख्या आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 42 में से अपने को कितना घटाना है, 25, एक इधर उधर लेंगे तो 12, 12 में से 5 गए 7, इधर बचे 3, 3 में से 2 गए 1।
कितना आएगा 17। अब प्लस का आएगा या माइनस का, जो बड़ी संख्या है उसका साइन अपन लगा देंगे, तो 42 बड़ा है इस कारण ये प्लस का साइन रहेगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है माइनस का 42, दोनों साइन माइनस माइनस का है, मतलब ये लिखा हुआ है माइनस का 42 प्लस का 25, दोनों साइन कैसे अलग अलग, संख्याएं आपस में क्या होंगी, संख्याएं आपस में क्या होंगी, संख्याएं आपस में घट जाएंगी, तो माइनस का 42 में से जब प्लस का 25 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 17। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी यहाँ पे, अगर माइनस 42 और इसके आगे साइन कौन सा लगा है माइनस का, इस कारण यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 17, जबकि इधर कितना आया था प्लस का 17। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, अपने को पता है प्लस वाली संख्याएं बड़ी रहेंगी, इस कारण ये वाला साइन इधर। ठीक, देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये माइनस का 42 प्लस का 42 ठीक है, माइनस का 42 ठीक है, ठीक, मतलब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखे तो 3 बड़ा है, इसमें देखे तो माइनस का 31 बड़ा है, इसमें देखे तो प्लस का 17 बड़ा, यहाँ पे प्लस का 17 तो प्लस का 17 आपस में बड़ा है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें अपने को बताना था कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है। कार्यपत्रक 4 अपना कंप्लीट हो गया है, अब अपन करेंगे कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 का ये पहला क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है हल करें, इसमें 4 क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट में, इनको अपने को आंसर इनके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है -1 प्लस का साइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस का 7, दो साइन साथ में आ गए माइनस का, वो प्लस का और माइनस का, तो उनके बीच में क्या होता है अपने को पता है गुणा होता है, तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस कितना होगा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे अपन इसको माइनस का 1 और ये हो जाएगा कितना माइनस का 7, माइनस का 1 और माइनस का 7 दोनों साइन सेम आ गए, मतलब संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 8, साइन दोनों पास एक ही है तो अपन ये माइनस का साइन लगा देंगे, या फिर बड़ी संख्या के पास जो साइन है अपन वो वाला साइन लगा देंगे। अगला देखते हैं, इसको अपन आखिरी में करेंगे क्योंकि ये 3 अंक वाला है, इसको पहले इसको कर लेते हैं अपन, माइनस का 20 प्लस और ये माइनस, दो साइन साथ में आ गए प्लस का और माइनस का, प्लस का माइनस का, तो उनके बीच में क्या होगा गुणा होगा, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा -22 माइनस का 13, दोनों साइन सेम संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, साइन दोनों के पास एक ही है तो एक साइन लगा देंगे, या फिर बड़ी संख्या के पास जो साइन है वो लगा देंगे। अगला देखें, लिखा हुआ है 23 माइनस माइनस, दोनों जगह माइनस आ गए, माइनस गुणा माइनस, जब दोनों दो साइन साथ में जाए तो उनके बीच में क्या होता है गुणा होता है, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यह कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 23 प्लस 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 23 और 12 कितना इन जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 35 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5 35 हो जाएगा, बाकी ये भी हो गया ये भी होगा। अब बचा कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अपन हल करते हैं। देखो माइनस रूट प्लस 8 प्लस माइनस, दो साइन साथ में आ गए प्लस माइनस, उनके बीच में क्या होगा माइनस लगेगा, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये तो लिखा हुआ है क्या माइनस 2, ये लिखा हुआ है प्लस का 8, ये कितना हो गया माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों का गुणा माइनस, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने को पता है अगर दो साइन सेम है, अगर दो साइन सेम है तो संख्या क्या होती है जुड़ जाती है, और जो साइन है बड़ी संख्या वाला लग जाता है, तो कौन कौन के पास सेम साइन है देखें तो एक ये -2 और -4 दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 8 वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या हुआ, दोनों साइन कैसे हो गए चेंज हुए, अलग अलग है तो संख्या आपस में घट जाएंगी, और अपने को पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक, साइन कौन सा लगेगा बड़ी संख्या का, तो 8 बड़ी संख्या, इसके पहले साइन कौन सा है प्लस का, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे प्लस का साइन, प्लस का साइन ना भी लगा तो भी चलेगा। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक कार्यपत्रक 5 का प्रश्न क्रमांक पहला हल हुआ। अब अपन करेंगे क्या प्रश्न क्रमांक दूसरा हल, प्रश्न क्रमांक दूसरे को क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड, प्रश्न क्रमांक दूसरा के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लस का 13, ये ब्रैकेट बना हुआ है और बराबर में लिखा हुआ है 0। दूसरा क्वेश्चन है, जब तक ये वाले लिख लो,
माइनस का चार प्लस का साइन ब्रैकेट बना हुआ है और लिखा हुआ है माइनस का 12 प्लस का 3 माइनस का 10। रिक्त स्थानों को भरना है कौन से क्वेश्चन में, प्रश्न क्रमांक दूसरे में, तो ये वाले लिख लिए होंगे, अब इनको मिटा देता हूँ ताकि संख्या रेखा पर ये बढ़िया से समझ में जाएंगे कैसे इनको हल करना है। अगर इस पहले वाले क्वेश्चन को लिखा हुआ है प्लस 13 प्लस बीच में ये बना हुआ है अपना ब्रैकेट, इसके अंदर अपने को आंसर लिखना है क्या आएगा कि उसमें कितना जोड़े कि जीरो आ जाए। तो अपन इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं। ये बनेगी बने एक संख्या रेखा, यहाँ पे पॉइंट आता है अपना जीरो, ठीक, इधर जाएंगे तो माइनस वाली संख्या, इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या आएंगी। अपने को पता है इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे और इधर आएंगे तो प्लस में आएंगे। प्लस का 13 अपने को दिख रहा है, दिख रहा है, तो अपन प्लस के 13 को देख लेते हैं संख्या रेखा पर। प्लस का 13 कहाँ है, ये आगे और मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, तो ये रहता है क्या 1, ये रहता है क्या 2, ये रहता है क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये क्या हो गया 13। प्लस के 13 में कितना ऐड करें कि जीरो आ जाए, प्लस के 13 में कितना जोड़ें कि जीरो प्राप्त हो जाए अपने को, तो देखेंगे प्लस का 13 तो भाई साहब ये रहा अपना, ये प्लस का 13 कितना जोड़े कि जीरो आ जाए, जीरो कहां पे है, जीरो ये रहा, मतलब पीछे साइड आना पड़ेगा अपने को, तो कितना पीछे आना पड़ेगा अपन देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 13 अंक पीछे आने पड़ेंगे, 13 अंक मतलब 13 संख्याएं अपने को पीछे आना पड़ेगी, और पीछे आने का मतलब क्या है माइनस की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस 13 पीछे आना पड़ेगा तब जाके अपन जीरो की ओर पहुंच पाएंगे। एक बार और देख लेते हैं, संख्या रेखा बने प्लस का 13 देखा तो अपने को पता है प्लस का 13 इस साइड आएगा, तो अपन ने 13 तक संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। प्लस 13 तक में कितना ऐड करें कि जीरो प्राप्त हो जाए, तो जीरो प्लस 13 ये रहा, जीरो इधर रहा मतलब नेगेटिव साइड पे आ रहा है प्लस, क्योंकि इधर जाएंगे तो धनात्मक की और इधर आएंगे तो ऋणात्मक की ओर, तो इधर आ रहा है जीरो, तो गिनेंगे कितने पीछे आ रहा है जीरो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो अपन यहाँ पे कितना लिख दिया माइनस का 13, ताकि प्लस के 13 में कितना जोड़ें कि जीरो प्राप्त हो जाए। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो अपने को पता है दो साइन एक साथ आएंगे तो उनके बीच में क्या होता है गुणा, तो प्लस गुणा माइनस कितना होगा, प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाता है, इसका मतलब 13 माइनस 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, ये सही है अपना, ऐसा करके भी देख सकते हैं अपन। अगला देखें क्वेश्चन, अगला वाला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है माइनस के 4 में कितना जोड़ें कि माइनस का 12 मिल जाए, तो अपने पास क्या है, अपने को क्या चाहिए माइनस का 4, तो माइनस के 4 के लिए अपन इधर जाएंगे, इसको मिटा देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक, देखो मान लो ये जीरो है, इधर जाएंगे तो अपने को धनात्मक संख्या मिलेंगी, इधर आएंगे तो अपने को ऋणात्मक संख्या मिलेंगी। क्या दिया हुआ है माइनस का 4, तो माइनस का 4 कहाँ आएगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, चाहिए कितना अपने को माइनस का 12, मतलब संख्या रेखा पर अपन माइनस 12 तक निरूपित कर लें, तो माइनस 4 के बाद माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, माइनस का 11 और ये माइनस का 12, ठीक, लिखा हुआ है माइनस के 4 में कितना ऐड करें कितना जोड़ें कि अपने को माइनस का 12 मिल जाए, तो क्या करेंगे अपन देखेंगे माइनस का 4 कहाँ है, तो ये रहा अपना माइनस का 4, कितना जोड़ें कि माइनस का 12 आ जाए, माइनस का 12 कहाँ पे है, ये रहा माइनस का 12, मतलब अपन किस साइड आएंगे, अपन आएंगे इस साइड ऋणात्मक संख्याओं की ओर आएंगे, तो कितनी ओर इधर आना है, तो गिन लेते हैं कितना इधर आना है, तो 1
दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ, मतलब इस साइड आठ आएंगे तब जाके अपने को माइनस का 12 मिलेगा। इस साइड का मतलब है अपन माइनस की ओर गए, कितना गए 8 गए, तो कितना लगाएंगे लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 8 लिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, लिखा हुआ है -15 बराबर -10। इसका मतलब इसके यहाँ पे कोई ना कोई सी संख्या ऐसी होगी जिसमें से अपन घटाएंगे माइनस का 15, तो अपने को मिल जाएगा कितना माइनस का 10। तो देखते हैं माइनस का 15 मतलब इस साइड ही आ रहे हैं, तो देख लेते हैं माइनस का 15 इसी संख्या रेखा पर। ये मान लो ये और आगे संख्या रेखा गई, तो माइनस का 12 के बाद आएगा माइनस का 13, माइनस का 14 और ये माइनस का 15। ठीक, ये आ गया माइनस का 15। माइनस के कितना घटाएं माइनस के 15 में से कि माइनस का 10 मिल जाए। तो देखो माइनस 15 ये रहा, माइनस का 10 लाना है, माइनस का 10 ये रहा। ठीक, ये तो कितना ये रहा माइनस का 15। ठीक, ये रहा माइनस का 15। माइनस के 10 तक पहुंचना है तो किस साइड जाएंगे, इस साइड। इस साइड जाएंगे तो धन की ओर जाएंगे, तो कितना इधर जाएंगे देखना, एक ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। तो पांच गए किस दिशा में, धनात्मक दिशा में, इस कारण यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, धन वाला। तो ये यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, रिक्त स्थान नौ को भरिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकेंड, कार्यपत्रक किसका, पांच का। तो ये कंप्लीट हुआ। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट रिवाइंड करके देख लेना, आ जाएगा ये समझ में बहुत आसानी। संख्या रेखा पर एक बार अपन इसको करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये वाले। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बता है, वितरण गुण से हल करें, तो इसको करते हैं, इसको बट लो पहले। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वितरण गुण से हल करें। इन तीन क्वेश्चनों को अपने को वितरण गुण से हल करना है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं वितरण का मतलब। वितरण का मतलब तो अपने को पता है कि बांटना होता है, कैसे बांटना है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, इसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, एक एक्स बैठा हुआ है, एक वाई बैठा हुआ है। समझना, एक एक्स बैठा हुआ है, एक वाई बैठा हुआ है। यहां से मैं आया बाहर से, एक चॉकलेट लेके आया, मान लो ए नाम के एक में चॉकलेट लेके आया, ए नाम के एक में चॉकलेट लेके आया, तो क्या करूंगा, चॉकलेट में वो क्लास में बांटना है, तो किस किस को बांटूंगा मैं, एक्स को भी देना पड़ेगा, वाई को भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक व्यक्ति को दूंगा, मान लो मैंने ए नाम की चॉकलेट अगर एक्स नाम के व्यक्ति को ही दे दी तो वाई को बुरा लग जाएगा, या फिर मैंने वाई को दे दी तो एक्स को बुरा लग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बाहर से कोई कुछ भी लेके आएगा तो क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको बराबर बांटना पड़ेगा। मतलब ये ए नाम की चॉकलेट एक्स को भी देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। बीच में ये साइन प्लस का है तो प्लस का अपन ने लगा दिया। ए नाम की चॉकलेट अपने को किसको भी देना पड़ेगा, वाई को भी देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई। मतलब अगर बाहर से कुछ भी चीज आएगी और अंदर अगर कुछ है, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ है, तो उन सभी को बराबर बराबर बांटना पड़ेगी। मतलब जो बाहर से आया उसको अंदर के व्यक्ति को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। तो यही वितरण नियम में भी इसका यही लगेगा। जैसे मान लो ये क्लास है, 80+3 नाम के कोष्टक के अंदर है, मान लो एक क्लास है, ये बाहर से कोई व्यक्ति आया तो इसको माइनस से इसको भी देना पड़ेगा और माइनस से इसको भी देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस छह का गुणा किस में होगा, 80 में होगा, तो माइनस के साइन के कारण सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ पे साइन लग जाएगा अपना माइनस छह के कारण माइनस का साइन, और 80 और 6 का गुणा करेंगे कि तो कितना आ जाएगा, 480 किसका, माइनस का। ये तो अपन ने 80 को दे दिया, अब ये माइनस से अपन किसको देंगे, प्लस के 3 को देंगे, तो अपने को पता है कि माइनस 6 और ये ब्रैकेट है, मतलब ये गुणा लगा हुआ है, बीच में गुणा लगा हुआ है, प्लस का 3, तो अपने को पता है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इन दोनों का गुणा होकर माइनस का साइन लग जाएगा। तो माइनस 6 और प्लस के 3 का गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 18, कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 18। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अगर साइन देखे तो दोनों संख्याओं के साइन किस में है, माइनस में, मतलब संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि साइन कैसे है, समान साइन है, तो दोनों संख्याओं को अपन जोड़ देंगे और
और आगे साइन किसका लगा देंगे, माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याओं के पास किसका साइन है, माइनस का, तो इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, माइनस 498 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 75 माइनस 8 इंटू माइनस का 15 लिखा हुआ है, मान लो एक पूरी क्लास है, ये बाहर से कोई व्यक्ति आया माइनस 15 वाला, तो माइनस 15 इस माइनस 75 को भी देना पड़ेगा और इस माइनस के 8 को भी देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15, ये माइनस का 15 इंटू 75, बीच में अगर अपन ब्रैकेट लगा दें, बीच में अगर अपन एक ब्रैकेट लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के साइन के कारण ये माइनस का ब्रैकेट लगाया, 15 का गुणा इस 8 में वो, तो 8 इंटू माइनस का 15 ये हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, ये माइनस का साइन इसके साथ है बीच में, और यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, क्योंकि ये माइनस का क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8 लिखा हुआ है। तो आगे देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो 15 का गुणा 75 में करेंगे, ये 75 गुणा 15, तो 15 5 कितना होता है, 75 होता है, तो ये 5 हासिल के बचे कितने, 7, 15 7 है 105, 105 और 105 और 7 112, 1125 हो जाएगा, किसका, माइनस का, माइनस 1125, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का अपन ने साइन लगाया, इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 8 कितना, 15 8 120, ये 15 × 8 करेंगे तो अपन ने 40 बचेगा, कितना, 4 8 × 8 = 12 कितना है, 120 किसका, प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं के साइन कैसे हैं, असमान साइन है, तो दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी, तो इसमें से कितना घटेगा, अपन को 120 घटाना है, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 0, ये बचेगा 0, ये 1, तो 1005 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो माइनस का गुणा इस माइनस 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का गुणा इस प्लस के 8 में होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब अपने को क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के साइन अगर देखें तो अलग अलग है, संख्या आपस में घट जाएंगी, साइन बड़ी संख्या का लग जाएगा, बड़ी संख्या के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और इन दोनों संख्या 32 में से 20 को हटाएंगे तो देंगे तो कितना बचेगा, 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कार्यपत्रक यहाँ पे कौन सा कंप्लीट हो गया अपना, कार्यपत्रक 5 कंप्लीट हो गया पूरा। कार्यपत्रक 6 का पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न को हल करना है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हल करना है। तो अपने को पता है दोनों संख्याओं के साइन किसे हैं, सेम संख्या है, -2 और -3, साइन सबसे पहले इनके सेम है, तो संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा, ये आ गया 5। अब साइन देखेंगे कौन सा लगेगा, दोनों के पास माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन देखेंगे, इसके पास माइनस का 4 लिखा हुआ है, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, साइन देखेंगे दोनों के अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, संख्याएं घट जाएंगी, अपने को पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। अब बारी आती है साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, तो जो बड़ी संख्या है वो वाला साइन लग जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो बड़ी संख्या वाला साइन लग जाएगा माइनस का। 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं के साइन कैसे हैं, सेम है, ये जोड़ दिया, 4 और 2 6 आ गए, ठीक। अगला देखेंगे 10 ऋण 12, ये प्लस का ये माइनस का दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग है, तो 10 में से 12 को घटाएंगे, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये 2 आया। अब ये देखेंगे कि साइन कौन सा लगेगा, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 12, तो इसके आगे का साइन लग जाएगा कौन सा, माइनस का 2, आंसर कितना जाएगा, माइनस का 2। अगला देखेंगे -12 और 15, साइन देखेंगे दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है, दोनों के पास माइनस है, संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। साइन कौन सा लगेगा, दोनों के पास माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दो। अगला देखेंगे माइनस का 20 प्लस का 10, दोनों साइन कैसे हैं, अलग अलग साइन है तो क्या करेंगे, दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी, घटा दो कितना जाएगा, 10। साइन देखेंगे कौन सा लगेगा, तो जो बड़ी संख्या है वो वाला साइन लगेगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस का 10, तो माइनस का 10 का वाला साइन, माइनस का 20 बड़ी संख्या है, 20 बड़ी संख्या है, उसके आगे साइन माइनस का, इस कारण अपने माइनस का साइन लगा दिया।
तो क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दो लिखा हुआ है कि संख्या ए का संख्या बी के साथ योग, ए का बी के साथ योग, मतलब ए प्लस बी करना है अपने को, ए प्लस बी करना है। तो ए का मान 20, ये बीच का अपने साइन लगाया प्लस का, बी करना है बी का मान माइनस का 15, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 20, दो साइन एक साथ आ गए, प्लस का और माइनस का साइन एक साथ आ गया, दोनों संख्याओं को दो साइन का क्या होगा आपस में गुणा, तो अपने को पता है कि प्लस गुणा माइनस कितना होता है, प्लस गुणा माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 15। अब अगली स्टेप क्या होगी, साइन देखेंगे, इसका भी प्लस का इसका माइनस का, संख्याएं घट जाएंगी तो घट के कितना जाएगा 5, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या 20 है इस कारण प्लस का साइन लग गया। अगला देखेंगे ए प्लस बी करना है, तो ये ए प्लस बी की, ए का मान माइनस का 10, बीच में साइन लगाया प्लस का माइनस का 20, तो ये माइनस का 10 तो बेसर का बेसर रहेगा, प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस का 20, दोनों संख्याओं के साइन के साइन सेम है, संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 30, दोनों के साइन सेम है इस कारण माइनस वाला साइन लग जाएगा। अगला देखेंगे ए प्लस बी करना है अपने को, तो ए का मान 14, बीच में साइन प्लस का, बी का मान माइनस का 34, क्या करेंगे, ये तो जाएगा 14 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो ये माइनस का साइन लगा माइनस का 34, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20। अब साइन कौन सा लगेगा, धन का या ऋण का, माइनस का या प्लस का, तो बड़ी संख्या कौन सी 34, क्या के साइन कौन सा है माइनस का, इस कारण यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अगला देखेंगे ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी जब करेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये माइनस का 50 प्लस माइनस का 70 क्या होगा, ये माइनस का 50 हो जाएगा, ये माइनस का 70 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस को गुणा, प्लस और माइनस को गुणा माइनस, आगे कितना होगा, ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 67, साइन किसका लग जाएगा माइनस का। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी अपने को ए प्लस बी करना है, तो ए का मान माइनस का 4 प्लस बी का मान माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 12, दोनों संख्याओं के साइन कैसे हैं सेम है, संख्या आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, दोनों संख्याओं को अपन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड भी कंप्लीट हुआ कार्यपत्र 6 का। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या ए में से बी को घटाइए, अभी अपन ने क्या किया था, ए प्लस बी किया था, अब करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे, एक मिनट रुकना, ए माइनस बी करेंगे तो ए का मान माइनस का 20 और बी का मान अगर देखेंगे तो बी का मान कितना है, बी का अगर मान देखेंगे, बी बीच में साइन माइनस का लगाना, ये साइन लगाया माइनस का, और बी का मान कितना है माइनस का 30, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का 20, दो साइन एक साथ आ गए, दोनों के बीच गुणा होगा और माइनस का गुणा कितना होता है माइनस, गुणा माइनस कितना होता है प्लस होता है, मतलब यहाँ साइन किसका जाएगा प्लस का, और क्या लिखा जाएगा प्लस का 30। आगे बढ़ेंगे क्या होगा, दोनों साइन कैसे हैं अलग अलग हैं, संख्याएं आपस में घट जाएंगी तो 30 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना 10, अब प्लस का या माइनस का, बड़ी संख्या कौन सी 30, 30 के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का बने साइन लगा दिया प्लस 10, प्लस का साइन लगा या ना लगा वो प्लस ही रहता है। आगे लिखेंगे ए माइनस बी करेंगे तो ए का मान कितना है, ए का मान है 15, बी का मान देखेंगे तो बी का मान कितना है माइनस का 10, ए का मान लिखा, ये माइनस का साइन लगा, बी का मान लिखा माइनस 10, ये लिखा 15, और ए माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा और 10 लिखा जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं के साइन कैसे हैं सेम है, दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का। अगले थर्ड वाले में भी अपन को करना है ए माइनस बी करेंगे तो ए का मान लिखेंगे 34, माइनस का साइन लगाएंगे, बी का मान लिखेंगे माइनस का 16, तो अगली स्टेप में क्या होगा, तो ये तो प्लस का 34 हो जाएगा, ये प्लस का साइन लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 4 10 हासिल के बचेंगे 1 3 और 4 और 5 प्लस का 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान है माइनस का 38, माइनस का साइन लगाएंगे, बी का मान है कितना प्लस का 14, तो ये तो माइनस का 38 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा अपने को पता है माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14, दोनों संख्याओं के साइन सेम है, संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2, हासिल का बचे 1 3 और 1 4 और 1
पांच साइन कौन सा लगेगा, दोनों के पास माइनस के साइन है, इस कारण यहां पर अपन माइनस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करेंगे क्या, ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान 45 माइनस का साइन, बी का मान माइनस का 35, तो ये हो जाएगा कितना 45, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर चार लिखा हुआ है सरल करना है, क्वेश्चन नंबर चार को कैसे सरल करना है चलो देख लेते हैं। ये तो माइनस का तीन अपन ने लिखा, ये लिखा माइनस का तीन, देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं माइनस माइनस के, और माइनस का गुणा क्या होता है, अगर दो साइन एक साथ हो जाते हैं उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे प्लस का टू, और ये प्लस का थ्री, बेस का बेस है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का थ्री ऐसा कैसे रहने दो, पहले प्लस समान साइन वाली संख्याओं को जोड़ लो, तो तीन और दो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, प्लस का पांच। अब अगली स्टेप में अपन देखेंगे तो क्या होगा, दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग है, घट जाएंगी संख्या तो कितना हो जाएगा दो, प्लस का या माइनस का, तो प्लस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है पांच है, और पांच के आगे साइन कौन सा है माइनस का है। आगे बढ़ेंगे, तो ब्रैकेट सबसे पहले हल कर ले अपन, तो ये हो जाएगा दस, ये लिखा है प्लस, ये लिखा है माइनस, दो साइन एक साथ आ गए तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में गुणा होगा, तो एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का मतलब प्लस गुणा माइनस, और क्या होता है प्लस गुणा माइनस अपने को पता है माइनस होता है, तो अपन यहाँ पे माइनस का कितना लिखेंगे चार लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का पांच लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का दस ऐसे रहने दो, दोनों संख्याओं के साइन कैसे हैं सेम साइन है, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के पास कैसा साइन है, दोनों के पास माइनस का साइन है, लगा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का नौ। आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा, दस में से नौ को घटाना है, दस में से नौ को घटाएंगे अपने को पता है प्लस का एक बचेगा, तो प्लस का एक इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, लिखा हुआ माइनस पैंतीस प्लस दस माइनस पांच, तो पहले माइनस माइनस वाली संख्याओं को हल कर लें, इसको और इसको कर लें, दोनों के साइन सेम है, संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी माइनस का 40 प्लस का 10, ये माइनस का 40 और प्लस का 10, संख्या आपस में क्या होंगी घटेंगी, साइन किसका आ जाएगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 20, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए माइनस माइनस के, माइनस और माइनस क्या होगा आपस में प्लस हो जाएगा, ये अपन ने प्लस कर दिया। आगे हल करेंगे तो 20 और 3 को जोड़ देंगे 23, 23 में से अपन 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 19, प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी आएगी प्लस की। आगे हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7, ये माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो ये माइनस का 4। आगे जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें समान साइन है, तो 11 ऋण 7 इन 10 ऋण 11, 11 में से 11 गई, आंसर कितना जाएगा 0। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा कंप्लीट हुआ, कार्यपत्रक 6 कंप्लीट हो गया अपना पूरा, अब अपन करेंगे कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7, कार्यपत्रक 7 में अपने को केवल गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखो, माइनस गुणा माइनस पांच गुणा प्लस का 4, पहले 5 और 4 का गुणा कर दो कितना जाएगा 20 जाएगा। अब साइन प्लस का लगेगा या माइनस का, अपने को पता है कि अगर माइनस गुणा प्लस होगा तो साइन किसका आएगा माइनस, या फिर अपन एक ऐसा सिंपल से समझ लें गुणा में कि अगर साइन सेम हो जाए, जैसे माइनस गुणा माइनस होगा तब प्लस होगा, या प्लस गुणा प्लस होगा तब भी प्लस होगा, या फिर माइनस गुणा प्लस होगा तब माइनस होगा, और माइनस गुणा या फिर प्लस गुणा माइनस होगा तब माइनस होगा। ये इतनी सी चीज अपने को समझना है कि अगर दोनों के साइन सेम है तब तो किसका साइन आएगा प्लस का, और दोनों के साइन अगर अलग अलग है तब किसका साइन आएगा माइनस का, किसमें गुणा में, अगर दोनों साइन सेम है तब गुणा में प्लस आना है, अगर दोनों साइन अलग अलग है तब गुणा में माइनस आना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है, दोनों के साइन सेम है तो प्लस आए गुणा कर दो, प्लस का साइन लगा दो, 3 × 2 = 6। अगला अगर क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है -11 × 5। दोनों के साइन देखेंगे अलग अलग है, ऐसे हमें दोनों के साइन अलग अलग है, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, माइनस का 55 हो जाएगा और साइन किसका लगा देंगे माइनस का, क्योंकि अलग अलग साइन है। अगला देखेंगे दोनों के साइन अलग अलग है, माइनस का साइन लगा दो और दोनों का गुणा कर दो, कितना जाएगा 28। इसमें आ जाओ, दो दो संख्या लेके हल कर ले, दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो देखेंगे, इन दोनों संख्याओं को ले ले पहले, तो क्या होगा, दो संख्याओं के साइन सेम है तो प्लस का साइन लग जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो 3 × 6 अब बचा कौन, गुणा माइनस का 4। अब देखेंगे दोनों के साइन सेम है या अलग अलग है, दोनों के साइन अलग अलग है, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस का साइन लगा और ये कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो दो करके हल कर लो, ये दो को लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के साइन सेम है, प्लस का साइन लग जाएगा और दो एकम दो हो जाएगा गुणा 4, दोनों के साइन सेम है गुणा हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा तो 4 × 2 = 8। नेक्स्ट देखेंगे, दो दो को लेके हल कर लो तो कितना हो जाएगा, दोनों के पास साइन कैसा है माइनस का है, मतलब दोनों के पास साइन सेम है, इस कारण प्लस का हो जाएगा, 2 × 1 = 2 × − 3। इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, दोनों के साइन अलग अलग है, मतलब गुणा में माइनस का साइन लग जाएगा और दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा माइनस का 6। नेक्स्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, दो दो को लेके हल कर लो, इन दोनों को कर लो और इन दोनों को कर लो, तो इन दोनों को करेंगे तो दोनों के साइन कैसे हैं सेम है, गुणा हो जाएगा और प्लस का साइन लग जाएगा, तो 3 × 6 यहाँ पे बनने लगाया गुणा, इन दोनों के साइन सेम है, प्लस का हो जाएगा और दोनों को गुणा हो जाएगा 4। आगे देखेंगे दोनों को गुणा हो जाएगा, दोनों के पास सेम साइन है प्लस प्लस के, तो 6 × 2 = 24। अगला देखिए, दो दो के लगे हल कर लो, तो इन दो को और इन दो को हल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पास प्लस का, इसके पास माइनस का, दोनों साइन अलग अलग है, इस कारण माइनस का साइन लग जाएगा और जो दोनों को गुणा 100 हो जाएगा। बाद में गुणों का साइन लगाएंगे, इन दोनों को साइन देखेंगे तो अलग अलग है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखेंगे गुणा में दोनों के पास माइनस माइनस का साइन, इस कारण प्लस हो जाएगा और दोनों का गुणा हो जाएगा, 10,000 प्लस का 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अपना गुणा वाला पूरा कंप्लीट हुआ, कार्यपत्रक 7 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब कार्यपत्रक 8 है जिसमें अपने को भाग पढ़ना है, तो कार्यपत्रक 8 पढ़ेंगे अपन। कार्यपत्रक आठ में अपने को सिंपल भाग देना है, किससे देंगे भाग समझते हैं। या तो एक कंडीशन ये हो सकती है, या कंडीशन ये हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भाग में कुछ नहीं होगा, बस इतनी कंडीशन अपने पास आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं, ये तो सिंपल भाग है, दोनों को भाग करना है, भाग दे देंगे दोनों संख्या प्लस की, इस कारण प्लस का साइन आ जाएगा, दोनों संख्या माइनस की, अगर साइन सेम हो जाए, ऊपर अंश का और हर का साइन सेम हो जाए, मतलब ये अंश ये हर, दोनों का साइन प्लस प्लस का, इसके लिए प्लस में आ गया, दोनों का माइनस माइनस में, इस कारण ये प्लस में हो जाएगा। अगर दोनों के साइन सेम हो जाए भाग करने में, अगर दोनों के साइन सेम हो जाए तो प्लस का हो जाएगा, अगर दोनों के साइन असमान है तो माइनस हो जाएगा, दोनों के साइन असमान है तो माइनस हो जाएगा। बस तीन चीज अपने को ध्यान रखना है, बाकी ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, -15 भागित माइनस का 5, ये लगाया भागित माइनस का 5, कितना हो जाएगा, दोनों साइन सेम है, आंसर प्लस में आएगा और 5 के बाद 15 में देंगे कितने बार जाएगा 3 बार, और आंसर किसमें आएगा प्लस में। अगला देखेंगे -25 / -5, कितने बार जाएगा 5 बार चले जाएगा, दोनों साइन सेम इस कारण ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अगला देखें 36 / -12, इसके पास प्लस का, इसके पास माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा दो और भारतीय 36 कर दो। अगला देखेंगे तो ये -20 और -10, दोनों साइन सेम है इस कारण प्लस का हो जाएगा और कितनी बार जाएगा 2 बार। अगला देखेंगे तो ये प्लस का 100 है और माइनस का 20 है, तो कितनी बार जाएगा माइनस के 5 बार, बस ये इसके आंसर हो जाएंगे सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना पहला कंप्लीट हुआ कार्यपत्रक 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दो लिखा हुआ है, इनको सरल करना है, सरल करना मतलब गुणा और भाग दोनों वाली चीजें आएंगे, तो सबसे पहले गुणा वाली चीजें हैं तो गुणा कर लेते हैं, तो ये माइनस का दोनों का गुणा होगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अभी अपन ने इसके पहले पढ़ के आए हैं, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 16। नीचे देखेंगे, नीचे वाले में दोनों साइन अलग अलग है, तो माइनस का साइन लग जाएगा और दोनों का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, भाग वाले में प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2, ये सिंपल अपना आंसर हो जाएगा। इसी अगला अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, मतलब -25
गुणा 15, और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे तो माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15, दोनों ऊपर नीचे माइनस माइनस, तो ये और ये वाला माइनस कट जाएगा और 15 का 15, आंसर कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट ऐसे ही देखेंगे तो ये इन तीनों संख्याओं को गुणा कर ले, तो ये देखो माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दें और इन तीनों संख्याओं को अपन गुणा कर दें, या गुणा कर देते हैं, चलो मान लो इन तीनों संख्याओं का अगर गुणा नहीं करें तो डायरेक्ट अपन एक माइनस का साइन लगा के इनको लिख सकते हैं, 4 × 6 × 10 भागित लगा दो, इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, पता है अपने गुणा होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो −12 × 8 सिंपल कर दो, 6 × 6 = 12, 4 × 4 = 8, नीचे क्या बचा, ऊपर बचा माइनस का 10 और नीचे बचा कितना, −2 × − +2, फिर भाग चला जाएगा कितने बार, 5 बार, तो ऊपर क्या बचा −5, नीचे बचा −2, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे अपना कार्यपत्रक 8 पूरा कंप्लीट हुआ, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब किसका, पूर्णांक वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन बचा है, अधिगम परीक्षण, तो वो और कर लेते हैं खत्म ये पूर्णांक वाला टॉपिक अपना। अब पूर्णांक वाला अपने पास लास्ट टॉपिक बचा है अधिगम परीक्षण, तो ये कुछ परीक्षण जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं सेम टू सेम अपने को वही करना, जो अभी तक अपन ने पूरा पढ़ के आए पूर्णांक वाले टॉपिक में उसका एक रिवीजन है। तो अपने को पता है सरल करना है, तो −3 − −5 दोनों साइन सेम संख्याएं जुड़ जाएंगी, साइन किसका जाएगा माइनस का, तो माइनस का 8 लगा दो, यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग ही संख्याएं घट जाएंगी, तो 4 आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ी संख्या है और उसके आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है, इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। अगला देखेंगे −7 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, ये हो गया −7, ये हो गया −11, तो ये कितना हो जाएगा −18, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक वो पढ़ के रखे उनका रिविजन है, इनको देखें गुणा करना है, दोनों साइन माइनस माइनस के समान संख्या है, बस में गुणा होकर प्लस का साइन हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, दोनों अलग अलग साइन है, दोनों संख्या को गुणा होकर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 150 हो जाएगा, ऐसे इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। ये अपन कर रहे हैं क्योंकि रिविजन है, कर लेते हैं, पता है यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 0। देखो माइनस के 4 की ओर बढ़ना है सबसे पहले, तो माइनस के 4 की ओर के लिए पीछे जाएंगे, तो −1 −2 −3 −4, मतलब −4 यहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पहुंचे अपन −4 पे, प्लस का 6 मतलब आगे की ओर इस साइड जाएंगे प्लस के 6 के लिए, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे अपन पहुंच जाएंगे, मतलब +1 पे अपन पहुंच जाएंगे, तो यहां से यहां तक पहुंचे तो ये कितना हो गया +6। यहां से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एक और अंक जाएंगे तो ये +2 हो गया, 2 पे आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका +2। अगला देखेंगे −6 और −3 −1 −2 −3 −4 −5 −6, −6 तक पहुंच गए, और माइनस वाली लाइन में अपने को 3 कदम और पीछे जाना है, तो −7 −8 और −9, ये इसका आंसर हो जाएगा कितना −9। सबसे पहले अपन कहां पहुंचे थे, 0 से लेकर −6 तक पहुंचे थे, तो ये −6, फिर −6 से −3 पे और ये पहुंचे, तो ये कितना आ गया −9, इसका आंसर कितना आ जाएगा −9। दूसरे वाले, ये तीसरा वाला, यहाँ से कितना है तीसरा वाला, 10 ऋण 5, तो सबसे पहले प्लस की ओर 10 अंक चलेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 अंक अपन आगे चले गए। अब पीछे कितना आना है, 5 पीछे आना है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ पे अपन प्लस माइनस के 5 पीछे आ गए, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, तो अपन यहाँ पे आ गए, तो कौन सा आंसर आया, +5, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। ये अधिगम परीक्षण का अपना पूर्णांक वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे इस वीडियो में, अब अगली वीडियो आएगी उसमें अपन भिन्न वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, तब तक ये पिछली वाली वीडियो सारी वीडियो आप देख लेना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, बाकी आगे का अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।